तो हम आपके अंदर भी देख रहे हैं बाबा प्रकाश, आपने का प्रकाश आलोकित है आपके चेहरे पर, ये भी नेचुरल है या आपका कोई प्रयास है इस तरफ? क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपका उद्देश्य क्या है इस जीवन में? लाइफ में यही करना चाहता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि पागल है आदमी, यानी कि काम धाम छोड़ के ये भटकना, मगर जो काम से मेरे को समाधान मिलता है, सुकून मिलता है, सुबह ही काम। अच्छा, ये मंत्र आपने, आपके तमाम वॉलंटियर हैं जो इसमें हैं, उनको भी आप दे रहे हैं ये? हाँ, दे रहे, जरूर दे रहे, उनके साथ है, उनकी साथ के हिसाब से काम कर रहे हैं। किस तरह से आप अपने वॉलंटियर्स को तैयार कर रहे हैं ताकि आपका ये समाज सेवा का काम, कोई व्यक्ति विशेष रहे न रहे लेकिन संस्था और समाज सेवा चलती रहे? अभी यही विचार से हम जोड़ रहे हैं ना? और लोगों को या हमारे सहयोगी लोगों को, अपना जीवन ही और लोगों के लिए, बराबर हर आदमी अपने लिए जी रहा है, पर और लोगों के लिए जीने का जो आनंद है वो अलग हिसाब से, और काम देख के भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अभी चेंज हो रहा है, लोगों को भी चेंज हो रहा है। अभी माँ बाप नहीं बोल रहे कि बाबा, अभी कम बोलने वाले लोग माँ बाप है, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बराबर। अभी कई माँ बाप पहले बोल रहे हैं कि बाबा प्रकाश जी का काम देखे, डॉक्टर प्रकाश आंबे का काम देखे, डॉक्टर विकास आंबे का काम देखे, अभी कई माँ बाप बोल रहे हैं कि मैं आप सोशल वर्कर। लगभग कितने लोग और कितने कनेक्टिविटी आपकी, अगर हम जरा जांचना चाहें, परखना चाहें, तो मतलब कितने लोग जुड़े हुए होंगे आज की तारीख में आपके फाउंडेशन से और कहां कहां तक पहुंचे? सैकड़ों लोग ऐसे पूरे महाराष्ट्र में, तो अलग अलग संस्था अपने से जुड़ी है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में अपने अपने विचारों से, अपने काम पे। और आप नायगांव में आप हैं, यानी पालघर में आप हो गए, और भी कहीं मुंबई में, अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग जिला में अपना काम किया। अच्छा अच्छा, तो आपकी जो गाइडलाइंस है, जो फंक्शनिंग है संस्था की, ट्रस्ट की, वो वहां से सब बताया जाता है आपको कैसे क्या क्या करना है? प्रॉपर इधर से बताया जाता है कि बाबा ये महीने में ये काम कर रहे हैं, और फिर जो आप करते हैं वो आप सबमिट करते हैं, ये हमने काम किया। अच्छा, पॉलिटिकली अगर मैं देखूं तो आप कहां से मोटिवेटेड है, कहां से इंस्पायर्ड है? पॉलिटिक तो मेरा बैठना उठना होता है। गवर्नमेंट में तो सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त है, सीएम साहब का, शिक्षा मंत्री, यानी कि मेरे कार्य को सहयोग है, काम को सलाम है, काम को सलाम, और सच्चे मन से आपका काम चल रहा है ये दिखता है। सच्चे मन से काम वो करना जरूरी है, और समाज से छांट छांट के लोगों को आपने लाया है, अंधे लोग, कुष्ठ रोगी, एड्स वाले, तो ये जो बेनिफिशरीज हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट देम, आप उनको ढूंढते कैसे हैं, या फिर वो लोग आपको कैसे ढूंढते हैं? अभी देखो कि पापा, मैं शुरू से ही बोला कि समाज में अलग अलग तरीके से लोग जीने वाले हैं, और ढूंढना भी जरूरी है, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। इसके लिए कोई प्रचार आप करते हैं? मैं मंदिर में भगवान नहीं ढूंढता, दुखिया के, यानी कि अंधे लोगों के बीच में, बाधित आपको मिल जाते हैं? हाँ, मैं भगवान ढूंढ रहा हूँ, मगर मेरे को उनमें ढूंढ रहा हूँ। वेदी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए, मैं इतना वक्त दिया उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन के मकसद में कामयाब हों। तो दोस्तों, आप देख रहे थे विजय वेदी जी, जनसेवा फाउंडेशन नायगांव से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और YouTube चैनल इंडिया आज तक लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।